अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शादी मुबारक इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सोचेंगे मैं शुक्रिया किस चीज़ का अदा कर रही हूँ। डेफिनेटली ये सारी वो ख़वातीन हैं, वो लड़कियाँ हैं जिन्होंने मेरे चैनल के थ्रू अपने कपड़ों को डिज़ाइन किया, मेरे चैनल के थ्रू उन्होंने आइडियाज़ लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत बहुत खुशी महसूस होती है जब आप अपने अपनी कारकर्दगी से अपनी सोसाइटी वालों की हेल्प करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, आपकी ईमेल्स का, और मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना इस खुशी को शेयर किया जाए और शुक्रिया अदा किया जाए अपने व्यूअर्स का कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी शादी के ड्रेसेस को मेरे चैनल के थ्रू डिज़ाइन किया, वहाँ से आइडियाज़ लिए, वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट किया और मैंने उनकी शादी में एक अहम किरदार अदा किया। तो अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश और आबाद रखें और इसी तरह आपकी मोहब्बतें और प्यार मेरे तक मौजूद रहे और मुझे मौसूल होता रहे इस तरह ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ब्राइड्स के ड्रेसेस मैंने आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली उन ब्राइड्स के चेहरे में नहीं बता सकती, लेकिन जो ड्रेसेस हैं और जो उनका खलूस था मेरे लिए और जो उनका प्यार था इस चैनल के लिए, तो मैं मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह और व्यूअर्स भी ज़रूर ईमेल करेंगे, ज़रूर अपनी आइडियाज़ को शेयर करेंगे, इसी तरह इसी प्यार और मोहब्बत का इज़हार करेंगे जिस तरह इन प्यारी लड़कियों ने अपने प्यार और मोहब्बत और खलूस का इज़हार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको जिस तरह की नीड होती है अपने शादी से रिलेटेड ड्रेसिंग सेंस की, या जिस तरह से आपको डेकोरेशन चाहिए होते हैं, एज सून एज़ पॉसिबल और वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ और भी आपकी शादी में, आपकी शादी के इन खूबसूरत लम्हों को और भी खूबसूरत बनाने में मैं किरदार अदा कर सकूँ। तो आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत रेड ड्रेसेस देखे हैं। एक और कॉम्बिनेशन जो नया मैंने देखा, बहुत खूबसूरती से जैसा पर्पल जो रेड है, लेकिन इन्होंने पर्पल शेड अपने लिए बारात के लिए आइडेंटिफाई किया। इसमें आप रेड भी कर सकती हैं, मैरून की तरफ भी जा सकती हैं और प्लम, यह वैसे बेसिकली है ये प्लम कलर जो ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है, लेकिन बहुत खूबसूरती से ये चीज़ अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने उसी तरह स्क्रीनशॉट ले के शेयर की है ताकि आप लोगों को एक अच्छे से आइडिया हो जाए कि देखें बारात के दिन को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह की ज्वेलरी पहनी जा सकती है, फ़ोटो सेशंस किस तरह के कराए जा सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आउटडोर फ़ोटोशूट नहीं कराते, घर पे ही या हॉल में ही फ़ोटोशूट कराए जाते हैं, तो उसको किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे और व्यूअर्स भी इसी तरह अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करेंगे कमेंट्स के ज़रिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को, ज़्यादा से ज़्यादा माओं को, बच्चियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके और उनकी ड्रेसिंग्स में हम एक खूबसूरत किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।